दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेलीप्राइम के 4.1 वर्जन के अंदर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी पार्टी को ब्लैंक चेक किस तरीके से इशू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका चेक गलती से आपसे खराब हो जाता है तो आप उसे किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर उसे कैंसिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं चेक के माध्यम से तो आप वहां पर किस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट नंबर को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट किया गया चेक हो वो आपके मशीन के द्वारा प्रिंट किया जाए तो उसका सेटअप आप यहां पर किस तरीके से कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आज हम यहां पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों चेक प्रिंटिंग की सभी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई कंपनी को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंपनी की सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिख रखा है। हम यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फटाफट फिल करने वाले हैं। कंपनी का नाम लिखने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो मेलिंग नेम में भी आपको यहाँ पर सेम नेम दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम चेंज नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर नाम चेंज कर देते हैं तो आपके इनवॉइस के ऊपर मेलिंग नेम वाला जो नाम है वही रिप्रेजेंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी नेम ही आपकी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना चाहिए तो मेलिंग नेम में आपको यही सेम नेम रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस को फिल कर लिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा। पिन कोड हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर फिल करना होगा। टेलीफोन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेंडमली एक नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फैक्स नंबर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने रेंडमली एक फैक्स नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की ईमेल आईडी डालनी है। तो हमने यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दी है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट को फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल बिगिनिंग फॉर्म और बुक बिगिनिंग फॉर्म आपको दोनों ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सेम डेट रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर भी आपको एंटर एंटर करके इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कंपनी फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर अभी किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करना है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव करेंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पर। क्रिएट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेजर का। आपको यहाँ से लेजर पर आ जाना है। लेजर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना होगा, यानी जिस बैंक का आप चेकबुक यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम इसी नाम को यहाँ पर डालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करते हुए इसे अंडर ऑफ बैंक अकाउंट रखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके अकाउंट होल्डर नेम में कंपनी का नाम ऑटोमेटिक शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो बैकस्पेस की मदद से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेंडमली एक अकाउंट नंबर फिल कर लिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना होगा। तो दोस्तों रेंडमली हमने यहाँ पर IFSC कोड फिल कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का स्विफ्ट कोड डालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेंडमली एक स्विफ्ट कोड डाल दिया है। स्विफ्ट कोड के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपके बैंक अकाउंट में किसी अदर कंट्री से पैसा आता या फिर जाता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड डालना होता है। हम यहाँ पर अपना स्विफ्ट कोड डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक नेम यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है। जब आप यहाँ पर टेलीप्राइम का ओरिजिनल वर्जन यानी पेड वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बैंक की सभी लिस्ट आ जाएंगी। यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से ब्रांच डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैंक कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। हमें यहाँ पर इन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पर एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक, यानी यहाँ पर इसकी मदद से आप अपने चेकबुक की रेंज को सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे यस करना है और उसके बाद यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर चेक रेंज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने चेक की रेंज देनी है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर दे देते हैं 50 और 1। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी हम चेक रेंज डाल रहे हैं जब भी आप चेकबुक को देखते हैं तो उसके अंदर जो शुरुआत में पहले चेक का नंबर होता है
और उसके बाद सबसे लास्ट का चेक नंबर होता है वही हमें यहाँ पर फिल करना होता है, यानी वो नंबर हमारा सीरियल वाइज होता है। तो यहाँ पर हमने 1 डालते हुए एंटर प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर 40 डाल करके हमने यहाँ पर 50 डाल दिया, यानी 50 चेक हमारे एक चेकबुक के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, आपको यहाँ पर अपने चेकबुक का नाम डालना होगा, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। इसके अलावा किसी अदर बैंक का भी अगर आप यहाँ पर चेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी रेंज को भी आप यहाँ पर इसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक ही बैंक की रेंज को सेट करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अनेबल चेक प्रिंटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पर यस हो जाएगा। इसका प्रॉफिट तब होगा जब भी आप किसी पार्टी को अपने SBI का चेक यहाँ पर इशू करेंगे, यानी अपने SBI के चेकबुक से किसी को भी कोई पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आप उस चेक को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, यानी आपको उसे हाथ से लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से दिखाता हूँ। फिलहाल हम इसे यहाँ पर यस रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपका जो चेक प्रिंट होगा उसका यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अब दोस्तों ये डायमेंशन आपको मिलता कहाँ पर है, तो जब भी कोई चेकबुक आप यहाँ पर देखते हैं तो उसके फर्स्ट पेज पर या सेकेंड पेज पर आपको चेकबुक का सारा डायमेंशन मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको उसी डायमेंशन को यहाँ पर एक एक करके फिल करना होता है। वैसे तो जितने भी चेकबुक्स होते हैं सभी का डायमेंशन यहाँ पर सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपने चेकबुक को थोड़ा सा अलग डिज़ाइन करते हैं, तो उसका डायमेंशन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं जो मोस्टली सभी बैंक यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए यानी इसको फिल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट के साथ बी प्रेस करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी फ्रॉम का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंपल फॉर्मेट का, इसको आपको सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स यानी सभी डायमेंशंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट के साथ पी प्रेस करना होगा। तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से यहाँ पर ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको करंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपको प्रीव्यू पे जा करके एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल्ट जेड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो चेकबुक होगा वो लगभग इस तरीके से प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसे स्कैप करके फिलहाल बाहर आने वाले हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए की मदद से सेव करेंगे और इसके बाद यहाँ से हम इसे स्कैप करके पीछे आ जाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इसे एंटर करके इसे यहाँ पर सेव कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चेकबुक को सेटअप कर लिया है, चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया है। अब हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आना है और यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में आने के बाद यहाँ से आपको जाना है वाउचर टाइप के अंदर और यहाँ पर आपको सर्च करना है पेमेंट, और पेमेंट वाउचर में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना होगा। अब इस ऑप्शन को हम यहाँ पर यस क्यों करा रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी पार्टी को ब्लैंक चेक यहाँ पर इशू करेंगे तो उसमें यहाँ पर हमें अमाउंट फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, इस वजह से हमें यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आना है और यहाँ से हमें जाना है सबसे पहले एक वाउचर के अंदर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर F5 को प्रेस कर रहे हैं। F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें स्पेस प्रेस करते हुए अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक को अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पर किसी भी पार्टी को एक पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल कोई भी पार्टी नहीं है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक नई कंपनी को क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक पार्टी को क्रिएट करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया मोहन कॉरपोरेशन। इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, इसे अंडर ऑफ डाल देंगे सेंडरी क्रेडिटर के क्योंकि हम यहाँ पर सेंडरी क्रेडिटर को ही पेमेंट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर आप चाहें तो कंट्रोल ए की मदद से आप इसे यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने
यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब कितने अमाउंट से आप इसको पे करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 9500 रुपये का अमाउंट इसको पे करना चाहते हैं। ये अमाउंट हमने फिल करके जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पर हमें ऑन अकाउंट लेना होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर इससे कोई भी गुड्स को परचेज नहीं किया है जिसकी पेमेंट हमें इसे करनी है। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसे ऑन अकाउंट रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। इतना करने के बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर बैंक एलोकेशन के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चेकबुक आपको दिखाई देगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा। इसके नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर दिखाई देगा, यानी आपका जो चेकबुक था वो 1 से लेकर 50 सीरियल नंबर का था। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट डेट दे सकते हैं, यानी जिस डेट को आप इस चेक को इशू कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेम डेट को रखते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने चेक को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आपको चेकबुक दिखाई दे जाएगा। ऑल्ट के साथ जैसे आप यहाँ पर जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि 1/4/2024 है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पार्टी का नाम यहाँ पर प्रिंट होगा जो कि मोहन कॉरपोरेशन है। और अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9500 ओनली का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके चेकबुक पर आसानी से प्रिंट कर दिया जाएगा बिल्कुल इक्वल पोजीशन के अंदर। आपको केवल इस पर साइन करके सामने वाली पार्टी को ये चेक प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी पार्टी को चेक इशू कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैंसिल चेक की। तो यहाँ से हम स्कैप करके वापस से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंकिंग का, इस पर आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सभी बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमने यहाँ पर केवल एक बैंक बनाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी सभी चेकबुक की ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। फिलहाल हम इसे यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे और यहाँ पे हमें जाना है चेक रजिस्टर के अंदर। चेक रजिस्टर पे जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो चेकबुक अवेलेबल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 चेकबुक्स अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से अभी हमने एक चेकबुक को यहाँ पर पेमेंट किया, यानी एक चेकबुक हमने यहाँ पर इशू किया है जो कि अभी फिलहाल अनरिकन्सलेट है, यानी अभी हमने इसको बैंक रिकन्सलेशन नहीं किया है, रिकन्सलाइड नहीं किया है। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी चेकबुक रेंज आपको दिखाई देगी। आपको यहाँ पर एक बार और एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पर आपके सभी चेक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जिस चेकबुक को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं उस चेकबुक को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसे आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हमसे गलती से यहाँ पर 5 नंबर का जो चेक है वो यहाँ से ख़राब हो गया है तो हम इसे यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस चेकबुक को सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा स्पेस। जैसे आप यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका वो चेक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट प्लस एस। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है आपका ब्लैंक चेक का और दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंसिल चेक का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसे कैंसिल करने वाले हैं, तो कैंसिल चेक को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट आपको दिखाई दे रही है, यानी किस दिन आप इसे कैंसिल कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपना रिमार्क्स देना है कि ये चेक जो था वो किस रीज़न की वजह से आप इसे यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी रिमार्क देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है ड्यू टू इनकरेक्ट फिलिंग और उसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 5 नंबर का जो चेक था वो यहाँ से कैंसिल हो चुका है। इसके बाद मान लीजिए हम 2nd नंबर का जो चेक है इसको यहाँ पर ब्लैंक इशू करना चाहते हैं, यानी किसी भी पार्टी को ब्लैंक चेक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ वापस से एस प्रेस करना है और यहाँ से आपको ब्लैंक चेक का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैंक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करना है और जिस भी पार्टी को आप यहाँ पर ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं उस पार्टी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर मोहन कॉरपोरेशन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट फिल का यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दिया।
तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी आपको याद होगा हम यहाँ से पेमेंट वाउचर में जा करके हमने यहाँ से अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कराया था और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट नंबर आपको यहाँ पर दो नंबर दिखाई दे रहा है, डेट वगैरह आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके ऑल्ट के साथ जेड करके देख लेना है कि आपका यहाँ पर जो चेक होगा वो किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी का नाम आपको दिखाई दे रहा है, अमाउंट यहाँ पर एक भी फिल नहीं है, डेट आपको यहाँ पर देख सकते हैं डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अकाउंट पेबल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिर्फ साइन करने हैं और सामने वाली पार्टी को ब्लैंक चेक इशू कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप टेली प्राइम 4.1 वर्जन के अंदर चेकबुक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।